नई चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी जहां पर आप घर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर आपको भी कोई लक्षण है तो क्या सावधानी बरतें, परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। तो अगले एक घंटे तक आप हमारे फोन नंबर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे वीडियो और लेख हैं उन पर जरा सा भी भरोसा ना करें, ये आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवा लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल जानते हैं। तो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 31 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ये जरूरी बातें हम आपके लिए बता रहे हैं। ताज़ा अपडेट, शनिवार को कोरोना के 5021 नए केस मिले हैं। 11,327 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं, यानी कि रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही 23 दिनों बाद 15 मई से रोजाना आने वाले नए मरीजों की संख्या अब 10,000 कम हो गई है, यानी राहत भरी खबर है, लेकिन सावधानी फिर भी बरतनी है। प्रदेश में अब तक 52,56,988 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इसके साथ ही दवा भंडार में 94,261 रेमडेसिविर और 343 टॉसिलीजुमाब इंजेक्शन उपलब्ध किए गए हैं। इसके साथ ही 12,298 लोगों के घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया गया है ताकि प्राणवायु मरीजों को मिल पाए। इसके साथ ही हिसार के खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया गया है ताकि आने वाले वक्त में अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए मारामारी ना हो, प्राणवायु के लिए लोगों को दिक्कतें ना हों। प्लांट में हाइड्रोजन संयंत्र से ऑक्सीजन बनाई जा रही है, तो ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की कमी से लोगों को ना जूझना पड़े। सरकार के टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति के तहत डोर टू डोर कोरोना स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि लोगों की जांच करके कोरोना को रोका जा सके, इसके संक्रमण को तोड़ा जा सके। और मेरे साथ दो डॉक्टर जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय मैं करा दूं। ऑर्थो सर्जन है डॉक्टर अक्षय जैन। डॉक्टर अक्षय जैन, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज हरियाणा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही न्यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपका भी स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अक्षय जैन, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर, क्योंकि अब से कुछ ही देर में लोगों की फोन कॉल आना शुरू हो जाएंगे, उनके हम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक से मेरे सवाल हैं। अभी कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, हम हालत सुधारते जा रहे हैं, धीरे धीरे कोरोना के मामले जो कम हो रहे हैं तो राहत भरी खबर तो है, लेकिन क्या अभी भी सावधानी उतनी जरूरी है, इस बात को लेकर कैसे आप लोगों को जागरूक करेंगे डॉक्टर अक्षय? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना के केसेस काफी कम हो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है जी, और कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है जी। ऐसे में हमें पूरी सावधानी बरतनी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर्स का, मास्क का इस्तेमाल करना है। हमें ये जानना है कि कोरोना जो है किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, ये बेहद जरूरी है कि अब भी सोशल डिस्टेंस हो, मास्क का इस्तेमाल हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, साफ सफाई का हमें बेहद ख्याल रखना है, क्योंकि कोरोना के साथ साथ कुछ और भी बीमारियां लोगों को ना जकड़ें, इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए सावधानी ही एकमात्र उपाय है। जी सर, क्या है कि ये जो केसेस लगातार कम हो रहे हैं ये बहुत ही सुखद खबर है जी, पर ये भी हम जानते हैं कि अभी हम लॉकडाउन के अंदर हैं। अब जब ये लॉकडाउन आधा थोड़ा सा खुला है और धीरे धीरे आगे खुलेगा, तो अगर हमने सावधानी नहीं बरती जी और उसी असावधानी से काम करते रहे तो वो स्थिति फिर पनप सकती है, क्योंकि कोरोना दबा है, खत्म नहीं हुआ है अभी। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग,
ठीक है, सावधानी बेहद जरूरी है। हमारे साथ भिवानी से एक दर्शक है नेहा। नेहा जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी सर, मेरी मासी को कोरोना हो गया और उनकी ऑक्सीजन लेवल 70 के अराउंड है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें, उनको घर पे क्वारंटाइन करें या बाहर हॉस्पिटल में? डॉक्टर अक्षय, मैं चाहूंगा सर आप इसका जवाब दें। जी, जिस तरह मैडम आपने बताया कि आपके मौसी को कोरोना हो गया है जिनकी सैचुरेशन 70% रह गई है, तो मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी कि आप इनको घर पे ना रखें और अस्पताल में भर्ती कराएं, क्योंकि सैचुरेशन कभी भी 93-94 से कम जाती है। तो गाइडलाइंस हमारे हरियाणा में जो गाइडलाइंस है, इंडिया में जो गाइडलाइंस है, वो यही है कि आप पेशेंट को अस्पताल में एडमिट करवाएं। इसके साथ अगर आप ये बता पाएंगे कि वो डायबिटिक है या नहीं है तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब यही रहेगा कि आप घर पे पेशेंट को बिल्कुल ना रखें और उनको पास में जो भी सरकारी अस्पताल है वहां भर्ती करवाएं। चलिए नेहा जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा और जिस तरह डॉक्टर अक्षय ने आपको सलाह दी है आप उसको फॉलो करें ताकि जो भी आपके रिलेटिव हैं उनकी तबीयत में सुधार हो पाए और अच्छा इलाज उनको अस्पताल में मिल पाए। डॉक्टर अक्षय, लगातार लोगों के मन में यही असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि अस्पताल जाएं ना जाएं, क्योंकि अस्पतालों में किस तरह मारामारी की स्थिति हमने देखी है उससे लोग घबरा जाते हैं। सर, जो मारामारी की स्थिति आप बता रहे हैं वो 15 दिन पहले थी। आप अगर अभी जाएंगे तो यहाँ पर हर जगह बेड्स अवेलेबल हैं, सरकार ने सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। तो अब जो चीज है, अब जो सीन है हॉस्पिटल्स में, वो वैसा नहीं है जैसा पहले था, वैसी महामारी नहीं है। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि किसी की भी सैचुरेशन 92-93 से कम है तो वो अस्पताल में भर्ती हो, घर पे ना रहे। ठीक है, हमारे साथ जींस से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए सर। और अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जैसे मैंने वैक्सीन टीका लो। जी अशोक जी, मेरा सवाल है, जैसे टीका लगवाया ना, मेरी कमर में दर्द रहने, छाती में दर्द रहने लगी है सर। डॉक्टर प्रवीण जी, ये टीका आपने कितने दिन पहले लगवाया था? हाँ जी सर, टीका कितने दिन पहले लगवाया था आपने? आप आज महीना होने वाला है जी। अच्छा, देखिए सर, टीका लगाने के बाद कुछ लोगों को पोस्ट वैक्सीनेशन इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, जिसमें जो टीके के साथ हमारे अंदर एंटीजन आए हैं, जिन्होंने एंटीबॉडी रिएक्शन किया है, वो रिएक्शन पूरी तरह खत्म नहीं होता है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं होती हैं, जैसे कि HCQI, सेलोज़ोपाइरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि मेप्रोक्सेन, मेफ्टाल, ये सब दवा लेने से ये भारीपन आपका ठीक हो सकता है। अगर ये भारीपन परसिस्ट करे तो CRP नाम की एक जांच है, उसे कराएं, जिससे मालूम चल पाएगा कि बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है। अगर सिंपी रहे तो पास के फिजिशियन से अपनी जांच कराएं। ठीक है अशोक जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा और जो बातें डॉक्टर प्रवीण ने कही हैं आप उनको फॉलो करें ताकि आपको जो परेशानी है उसको आप दूर कर पाएं। लगातार प्रवीण जी, टीकाकरण को लेकर भी लोगों के मन में सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि इतनी सारी बातें लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। अब सोशल मीडिया पर जो लगातार खबरें वायरल हो रही थी उनको लेकर, टीके को लेकर भी लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी, इसको लेकर भी मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ हैं, हनुमान गोयल हैं हमारे साथ। हनुमान गोयल जी, भिवानी से आप हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर मेरा एलर्जी है, मैं वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा एलर्जी है। जी किस टाइप की एलर्जी है सर? सर खुजली आती है जगह जगह, कई कई। ठीक है डॉक्टर अक्षय जी, जी ये सवाल दोबारा पूछ सकते हैं? जी बता रहे हैं कि इनको इचिंग की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, और क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए जैसे इन्होंने बताया कि इनको खुजली की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, ये इनको कब से है, मतलब ये अभी हाल ही में हुई है या पहले से ही है? हनुमान जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए लगता है हमारा संपर्क कट गया है, एक बार फिर से आप ट्राई करिए, कोशिश करिए फोन लगाने की और आपको आपकी सलाह जरूर मिलेगी जो आप जवाब चाहते हैं जिस सवाल का। प्रवीण जी, वैक्सीनेशन को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, कैसे लोगों को हम वैक्सीन के प्रति जागरूक करें और कैसे लोगों के मन से भ्रम को दूर किया जाए, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी लोगों को बुखार आ रहा है तो लोग डर रहे हैं। हेलो जी प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं सर जी।
प्रवीण जी, वैक्सीन को लेकर कैसे लोगों को आप जागरूक करेंगे, क्योंकि अगर वैक्सीन के बाद भी फीवर आ जा रहा है तो लोगों को लोग डर जा रहे हैं कि आखिर फीवर क्यों आ रहा है? सर देखिए, वैक्सीन जो होती है वो हमारे शरीर में एक एंटीजन डालती है जी, जो कोरोना से मिलता जुलता होता है, जिसके साथ लड़ाई करके हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है और अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है। तो जब ये रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है तो उससे बुखार आना, शरीर में थकान रहना, जोड़ों में दर्द रहना, अभी थोड़ा गला खराब होना, ये सिम्टम बीमारी के सिम्टम नहीं है जी। ये हमारी बॉडी में जो इम्यून रिएक्शन है, एसटीडी और आईएसटी कॉल्स आना नहीं चाहिए। और अगर आपको बुखार आया है तो क्रोसिन की गोली या पैरासिटामोल की गोली ले सकते हैं। अगर उससे भी आपके सिम्टम कम नहीं हो रहे हैं तो मेफ्टाल की गोली या नेप्रोक्सिन की गोली ले सकते हैं, जो इन सिम्टम्स को कम कर पाएगी। ये सिम्टम आमतौर पर एक या दो दिन रहते हैं जी, और फिर ये ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ये सिम्टम 3-4 दिन चल सकते हैं। घबराना फिर भी नहीं है, क्योंकि तो अधिकतर सिम्टम खत्म हो जाते हैं। और अगर आप भीड़ भाड़ में गए हैं और वहां पे आपका लोगों से संक्रमण होने की संभावना रही है जी, और आपको सिम्टम है जिसमें गला खराब है, सांस फूल रहा है, तो कोरोना टेस्ट जरूर एक बार करवा लें, क्योंकि हमने ऐसे कई मामले देखे हैं कि लोग वैक्सीन के लिए गए, वहां पे लोगों से मिले और उन्होंने कोरोना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है डॉक्टर अक्षय, ब्लैक फंगस को लेकर एक भय की स्थिति लोगों के मन में बनी हुई है, तो मैं चाहूंगा एक बार आप लोगों का डाउट क्लियर करें ब्लैक फंगस को लेकर, कि किन मरीजों में संभावना इसकी है, क्या सबको डरने की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है, या कुछ गंभीर बीमारी के मरीज है जिनको ब्लैक फंगस हो सकता है? हेलो जी डॉक्टर अक्षय, सुन पा रहे मुझे? जी सर। जी सर, जो ब्लैक फंगस जो बीमारी आजकल आ रही है, एक तो ये बीमारी नई नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है जी। जो बीमारी जनरली हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स या एड्स के पेशेंट्स या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, इनको होने की ज्यादा संभावना होती है। जो फंगस है ये एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में हमेशा रहता है, लेकिन हमारी बॉडी की जो क्षमता है उससे लड़ने की, वो उसको मार खत्म करती है। लेकिन ऐसी स्थिति जब होती है उस कंडीशन के अंदर फंगस हमारी बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है जी। जैसे कोरोना में हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे हमारी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। और जनरली देखा गया है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, क्योंकि स्टेरॉइड वगैरह चलते हैं तो उस वजह से शुगर इनकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ऐसे पेशेंट्स थोड़े ज्यादा ससेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन हमें ये समझ के रखना है कि किसी को भी हो सकती है जी। ठीक है, कृष्ण हमारे साथ हैं, एक दर्शक। कृष्ण जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। एलर्जी की दिक्कत है आपको? उम्र बरसे है जी, सोराइस। आपका सवाल क्या है सर, आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? वैक्सीन, एक बार फिर से वही सवाल है, मैं चाहूंगा डॉक्टर प्रवीण आप इसका जवाब दें। सर आपको किस किस्म की एलर्जी है, नई एलर्जी है, पुरानी एलर्जी है, और आपने कभी पहले वैक्सीन ली है क्या? पुरानी है जी, मेरा तो बहुत ज्यादा पहले से ही है। कभी आपने कोई वैक्सीन या टीका लगवाया है? ना ना, नहीं लगवाया जी। कभी किसी दवा से, एंटीबायोटिक से एलर्जी हुई है आपको? ना नहीं हुई है जी, अब तो ठीक हो रही है पलकने जी। तो अगर किसी दवा या एंटीबायोटिक से आपको एलर्जी नहीं हुई है, कभी आपका एलर्जी से ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। और अगर आज की डेट में एलर्जी कम है तो टीके के बारे में सोच सकते हैं, पर उन लोगों को जिनको दवाओं से या टीकों से पहले सीवियर एलर्जी हुई है, वो लोग टीके को ना लगाएं, क्योंकि दवा से एलर्जिक रिएक्शन या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जिसे हम एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं, वो टीके का मुख्य कॉन्ट्राइंडिकेशन है। जिन लोगों को अचानक से ब्लड प्रेशर हुआ, चेहरे में सूजन आई, सांस फूलने लगा, इस किस्म की एलर्जी हुई है, उन लोगों को इंजेक्शन से बचना। चलिए कृष्ण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। प्रवीण जी, मैं चाहूंगा एक बार आप थोड़ा सा अगर इसको समझा पाए कि किन लोगों को फिलहाल अभी टीके से बचना चाहिए, इसको अगर आप बता पाए। सर बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने जी। एक तो जिन लोगों को अभी कोरोना होकर चुका है, जो अभी कोरोना से
बाहर आ रहे हैं उनको 6 हफ्ते से 3 महीने तक इम्यूनिटी रहती है, तो उनको इमिडिएटली टीका लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो जी। सरकार की भी गाइडलाइन आई है कि किसी को कोरोना हुआ है तो उसको 3 से 6 महीने वेट करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने पहली वैक्सीन ले ली और आपको 1 या 2 महीने बाद कोरोना हो गया तो उस कोरोना को दूसरी वैक्सीन डोज समझें जी, और दूसरी डोज लगाने की जल्दी ना करें। तीसरी चीज, जिनको दवाओं से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे ब्लड प्रेशर गिर जाता है, सांस घुटने लगती है, अचानक से शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, होंठ सूज जाते हैं, जिसे हम एनाफिलैक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, जिन लोगों को ऐसे रिएक्शन हुए हैं उन्हें टीके से बचना। ठीक है, हमारे साथ मुकेश है एक दर्शक। मुकेश जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा भी पिलो है और चक्कर आ जाते हैं, तो मैंने वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? क्या लगातार आपका बीपी लो रहता है? कुछ कुछ दिनों में हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर अक्षय। लगा सकते हैं सर, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप कहते हैं बीपी लो रहता है और कभी कभार चक्कर आते हैं, तो ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। चलिए मुकेश जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, क्योंकि कई सारे सवाल वैक्सीन को लेकर ही डॉक्टर अक्षय हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर उनको ज़रा से भी कोई दिक्कत होती है तो लोगों के मन में ये रहता है कि वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, कि कहीं कोई रिएक्शन ना हो जाए। ये लोगों का भ्रम दूर करना बेहद आवश्यक है। जी सर, जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि एनाफिलैक्सिस के बारे में, वो बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि ऐसी कंडीशन में हमें टीके से बचना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन इस टीके की है नहीं। ठीक है, और हाँ जी जी, और मैं इसलिए चाहूंगा कि जब आप टीका लगवाने जाएं तो जहां पर भी जाएं एक बार उनसे डिस्कस जरूर करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है जी, बिना बताए टीका ना लगवाएं। ठीक है, परमानंद शर्मा हमारे साथ हैं एक दर्शक। परमानंद शर्मा जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए। मुझे एलर्जी है, आंखों से जो पानी आता है ठीक लग जाती है, एलर्जी है इस किस्म की। ठीक है डॉक्टर प्रवीण, मैं चाहूंगा सर आप इसका जवाब दें। आपकी जो एलर्जी है ये एनवायरमेंटल या पर्यावरण में आई हुई पोलन ग्रेन्स या ऐसी चीजों को जो आपकी नाक को इरिटेट करती हैं, जिससे आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये इस तरह के एलर्जी में यूजली टीके से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये माइनर नेजल एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं इसको, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए टीका लगाने। चलिए बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। प्रवीण जी, ब्लैक फंगस को लेकर एक बार मैं चाहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि अभी इसी बात का जिक्र मैं अक्षय जी के साथ भी कर रहा था ब्लैक फंगस को लेकर। ब्लैक के बाद अब व्हाइट फंगस का जिक्र भी हुआ, तो लोगों में और ज्यादा भ्रम बन गया, डर बन गया, भय बन गया कि आखिर अभी क्या फंगस है बार बार आ रहा है। सर देखिए, क्या फंगस जो हमारी बॉडी में भी रहती है, कहीं कहीं पे कमेंशल की तरह एनवायरमेंट में भी रहती है। नॉर्मली फंगस एक वीक ऑर्गेनिज्म है, कमजोर ऑर्गेनिज्म है, और हमारा शरीर इससे लड़ने में सशक्त हो जाता है जी। जैसा डॉक्टर अक्षय ने पहले बोला, कैंसर में, शरीर में इम्यूनिटी की कमी में, अगर हम स्टीरॉयड या कोई इम्यूनिटी की कमी वाली दवाई लेते हैं, खासकर वो लोग जो डायबिटिक हैं और जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उन्हीं लोगों में ब्लैक फंगस का ज्यादा रिस्क होता है। पर कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण कोरोना के मरीजों में अचानक से ये फंगस का प्रचार बहुत बढ़ गया। तो वो कारण ये हो सकते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, किस तरह की ऑक्सीजन यूज की गई, कितना स्टेरॉयड लिया गया, घर पे स्टेरॉयड लिया तो शुगर मॉनिटर की के नहीं की जी। और शायद कोरोना वायरस भी हमारे नाक से जाता है तो वहां पर हमारी इम्यूनिटी को बदल रहा है, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी बीमारियां जैसे सांस की बीमारी, दिमाग की बीमारी, इसमें स्टेरॉयड आम यूज होते हैं। ठीक है, पर कभी पहले ब्लैक फंगस का इतना प्रचलन नहीं रहा जी। इसका मतलब कोरोना वायरस जो है वो हमारी नाक और उसका जो एरिया है साइनसिस का एरिया, उसकी इम्यूनिटी को बदल रहा है, जिससे फंगस का प्रचलन इतना बढ़ गया। ठीक है, यानी सावधानी हमें हर चीज में बरतनी होगी। सतीश हमारे साथ एक दर्शक है। सतीश, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए। सतीश जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए सर पहले। हेलो सतीश जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल करिए। ठीक है, हाँ जी, जी सवाल पूछिए।
हाँ जी डॉक्टर साहब, सर मैं पॉजिटिव आया था 10 दिन पहले। हेलो जी सतीश जी, थोड़ा तेज बोलिए, क्या बोल रहे हैं, सवाल क्या है आपका? मेरा पॉजिटिव निकला था जी। जी मुझे ओके 9 दिन हो गए जी, और मुझे मतलब ठंड लग रही है काफी और छाती वाली जगह पे पेन हो रही है। इसका क्या मतलब है? मतलब वैसे तो ठीक लग रहा हूँ, बाकी तो पल्स वगैरह फीवर वगैरह सब कुछ ठीक है जी, ठंड लग रही है और छाती वाली जगह पे पेन नजर आ रही है। ठीक है डॉक्टर अक्षय सर, जिस तरह इन्होंने बताया कि इनको 9-10 दिन हो गए हैं, इनकी पल्स और सैचुरेशन ठीक आ रही है, लेकिन इनको सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इनकी छाती की जगह पे थोड़ा दर्द है और इनको ठंड लग रही है, तो मैं समझता हूँ उनको थोड़ा चेस्ट कंजेशन होगा या हल्का फुल्का साइटोकाइन रिएक्शन होंगे जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी सलाह इनको यही रहेगी कि अपनी पल्स देखते रहें, अपना टेम्परेचर चेक करते रहें, अपनी सैचुरेशन SpO2 देखते रहें, और जो दवाई दी गई है इनको वो दवाइयाँ लेते रहें, जो किट मिलती है होम आइसोलेशन किट मिलती है वो लेते रहें। अगर इनकी सैचुरेशन मेंटेन हो रही है तो मैं समझता हूँ कि इनको हॉस्पिटल जाने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कंडीशन बिगड़ती है इनकी, इनको लगता है कि इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जैसे इन्होंने बताया छाती भारी हो रही है, अगर सांस लेने में तकलीफ होती है तो इन्हें अस्पताल जाना चाहिए और वेंटिलेटरी सपोर्ट की मांग करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ समय सिंह जुड़ गए एक दर्शक। समय सिंह जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी सर नमस्कार। जी सर मेरी निसी जो है 60+ उम्र है उनकी, तो उनको ना पिछले 7-8 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अभी उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं? मेडिसिन चल रही है कंटिन्यू। ठीक है डॉक्टर प्रवीण, क्या मेडिसिन चल रही है सर आपकी मिसेज को? सर वो अस्थमा की चल रही है, अभी तो घर पे पड़ी है प्रिस्क्रिप्शन, तो खाने की दवाई है कि सिर्फ इन्हेलर लेती है? खाने की दवाई है सर। देखिए सर, इसमें अस्थमा में कभी कभी स्टीरॉयड दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, तो पहले यह जानना है कि कितनी डोज का स्टेरॉयड चल रहा है आपको। तो अगर हल्का फुल्का स्टेरॉयड चल रहा है 5 या 10 मिलीग्राम या कोई अन्य दवाई चल रही है तो वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर ज्यादा डोज का स्टेरॉयड चल रहा है तो फिर पहले उसकी डोज कम करके वैक्सीन लगानी चाहिए, अन्यथा वैक्सीन का पूरा असर नहीं आएगा, शरीर में एंटीबॉडी की डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अपने डॉक्टर से मिलके पहले समझे क्या दवा चल रही है और फिर वैक्सीन लगाने का निर्णय लें। चलिए शुक्रिया समय सिंह जी जुड़ने के लिए, और डॉक्टर साहब ने जो बताया है आप उसको फॉलो करें ताकि टीका आप अपनी वाइफ को लगवा सकें। और इसी तरीके से आप लोग सभी हमारे साथ जुड़ते रहिए, इंडिया न्यूज़ OPD में डॉक्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे लाइव, सीधा आप उनसे सवाल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको कोरोना बीमारी को लेकर आ रही है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं, अगर आप होम आइसोलेटेड हैं या फिर अस्पताल में जाएं या ना जाएं, इस तरह के सवाल आपके मन में हैं तो उन सवालों का जवाब आपको इंडिया न्यूज़ की OPD में मिलेगा। हमारे साथ अगले दर्शक हैं पोशु। पोशु जी आपका स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकती हैं। सर जी मैं है ना जैसे डिप्रेशन की मरीज हूँ, 20 साल से मेरी दवाई चल रही है और है ना, तो मैं वैक्सीन ले सकती हूँ कि नहीं? डॉक्टर अक्षय अब किस किस चीज की मरीज है सर, इन्होंने क्या बताया 20 साल से की मरीज हूँ और जैसे 20 साल हो गए मुझे दवाइयाँ खाते हुए। दोबारा बताइए एक बार, आप किस चीज की मरीज हैं? डिप्रेशन चल रहा है मुझे। डिप्रेशन चल रहा है? हाँ हाइपरटेंशन। ओके मुझे सर डिप्रेशन और हाइपरटेंशन में मूड एलिवेटर्स और एंटी हाइपरटेंसिव भी चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन से, बिल्कुल वैक्सीन लगा। जी पोशु जी आप लगवा सकते हैं वैक्सीन, डॉक्टर अक्षय ऐसा बोल रहे हैं। और लगातार इस तरह के सवाल लोगों के जहन में उनकी बीमारियों को लेकर हैं, साथ ही अगर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति आपके जहन में है आप अपने भ्रम को दूर करिए, अभी हमें कॉल लगाइए, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और सीधा आप उनसे सवाल कर सकते हैं। रोहतक से महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र जी आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए। मेरे पास जी मेरे गले में कैंसर है, मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ जी? महेंद्र जी मैं चाहूँगा आप अपनी TV का वॉल्यूम पहले म्यूट कर लें, उसके बाद आप बात करें। हाँ ऐसा सर जी, गले में कैंसर है मेरे, में वैक्सीन लगवा सकता हूँ जी? जी सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी हाँ जी सुन पा रहे हैं जी। अपना सवाल दोहराइए एक बार।
सर जी मेरे गले में कैंसर है, मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? ठीक है डॉक्टर प्रवीण जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। जी सर, ये बताएं कि कैंसर के लिए कोई कीमोथेरेपी या कोई दवाई पे अभी आप हैं कि नहीं है? जी सर, आप कोई कैंसर के लिए भी दवाई खाते हैं कि कोई दवाई नहीं खाते कैंसर के लिए? नहीं जी, मैं फिलहाल कोई दवाई नहीं खाता जी। जी सर, अगर आप कोई दवा नहीं खा रहे हैं तो आप वैक्सीन लगा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लगातार इसी तरीके से आप लोग जुड़ते रहिए, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, और आप कॉल करिए, साथ ही अपने सवालों का जवाब तुरंत इंस्टेंट आप जानिए। डॉक्टर से अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, घर बैठे हुए हैं, आपको लक्षण है या आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, या अगर रिपोर्ट नेगेटिव है आपको फिर भी लक्षण आ रहे हैं, अगर किसी तरह की कोई स्थिति असमंजस की आपके मन में है, आपका कोई भ्रम है दवाइयों को लेकर या फिर डाइट को लेकर या कैसे आप अपने रूटीन को फॉलो करें अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं, कोरोना संक्रमित हैं, इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको मिल पाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर अगर आप किसी तरह का सवाल कोई करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, तुरंत हमें कॉल लगाइए, इंडिया न्यूज़ की ओपीडी के साथ आप जुड़िए। डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर अक्षय, अब तीसरी लहर का जिक्र भी हो रहा था, तीसरी लहर को लेकर किस तरह लोगों को आप सतर्क करेंगे, जागरूक करेंगे? सर जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना किस तरीके से महामारी फैलाता है जी, और ये बात भी बताने की नहीं है, सबको पता है कि किस तरीके से प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरीके से प्रिवेंशन लेने हैं, किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। बस हम जो करते आ रहे हैं हमें उसे ही फॉलो करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें वैक्सीन लगवानी है, हमें जो सारी की सारी प्रिकॉशन हम लेते आ रहे हैं वही कंटिन्यू करनी है और बहुत सख्ती से करनी है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम तीसरी लहर से बहुत आसानी से जूझ पाएंगे। बिल्कुल लगातार प्रवीण जी, क्योंकि फर्स्ट वेव ने शायद इतना परेशान लोगों को नहीं किया जितना सेकेंड वेव ने लोगों को दिक्कतों में डाल दिया, और स्थितियां कितने नाजुक दौर में गई, ये और ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई अस्पताल में जो मारामारी लोगों ने देखी है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, योगेश हैं हमारे साथ महेंद्रगढ़ से। योगेश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मेरे कुछ दवाओं से एलर्जी है, जैसे निमोसुलाइड, डाइक्लोफिनेक, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नीटाजोक्सामाइड, कुछ खाने की चीज़ों से एलर्जी है, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? और वैक्सीन अगर रिएक्शन कर जाए तो क्या कंट्रोल हो जाती है? सर छोटे शहर में रहते हैं सर हम। प्रवीण जी देखिए सर, आपको तो दवाओं से एलर्जी रही है और मल्टीपल दवाओं से एलर्जी है तो आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए सर अभी, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट एलर्जिक रिएक्शन होने का चांस है जिसमें ब्लड प्रेशर गिर जाता है, गले में सूजन आ जाती है और दम घुटने लगता है। ऐसे में अगर हो भी तो इंजेक्शन लगा के इसे ठीक तो किया जा सकता है, पर यह चांस लेने लायक चीज नहीं है तो आपको वैक्सीन नहीं लगाना। चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। तो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर कई सारे सवाल प्रवीण जी आ रहे हैं, वैक्सीनेशन ज़रूरी है ये डॉक्टर्स लगातार शुरुआत से ही बोल रहे हैं, और सवाल इसलिए लोगों के मन में है क्योंकि कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, इसलिए लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी भी है कि वैक्सीन लगवाएँ या ना लगवाएँ, ये भ्रम लोगों का दूर होना बेहद ज़रूरी है। तो इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए, कॉल लगातार करते रहिए, इंडिया न्यूज़ की कोविड ओपीडी में डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, लाइव डॉक्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से, और सीधा आपके सवालों को जवाब देने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। इस वक्त आप हमें कॉल करिए, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपना सवाल कर सकते हैं और तुरंत उसका जवाब भी ले सकते हैं। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं और ये खास कार्यक्रम सिर्फ आप दर्शकों के लिए है ताकि आपके सवालों का जवाब आपको मिल पाए। अगले दर्शक विजेंद्र हमारे साथ हैं, विजेंद्र जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मेरे को हाथ पे, पैरों पे, लेग्स पे ना काफी स्किन की प्रॉब्लम है, खुजली बहुत ज्यादा होती है हाथों में और पैरों में जी, मतलब स्किन गर्मियों में बहुत जाती है, सर्दियों में खत्म हो जाती है, तो उसके बारे में क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ या नहीं? डॉक्टर अक्षय मैं चाहूंगा जवाब दें सर। सर सर ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, डॉक्टर प्रवीण ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछली बार जी, तो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। एक बात कहना चाहता हूँ मैं जी,
क्योंकि ये हमारे सारे सवाल इसी बात से जुड़े हुए हैं कि मैं वैक्सीन लगा सकता हूं कि नहीं। जी सरकार की बहुत क्लियर गाइडलाइन है। जी देखिए पहले जब वैक्सीन आई थी तो वैक्सीन नई थी तो उसको लेके कई भ्रांतियां हमारे से जुड़ी थी, बट अब देश में 16-17 करोड़ लोग वैक्सीन लगा चुके हैं और हमने देखा है कि वैक्सीन से बड़े स्तर पर कोई नुकसान नहीं हुआ है ना। इसलिए अब सरकार की क्लियर गाइडलाइन है कि अगर आप कोई इम्यूनिटी कम करने वाली दवाई नहीं ले रहे हैं और आपको दवाओं से या इंजेक्शन से एलर्जिक रिएक्शन नहीं है तो डिप्रेशन के, सर दर्द के, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के, थायराइड के और जो रूटीन दवाइयां खाते हैं आमतौर पर वो सब लोग वैक्सीन लगा सकते हैं। ये बेफिक्र होकर वैक्सीन लगाए क्योंकि वैक्सीन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ाई में। ये बड़ी बातें डॉक्टर प्रवीण की ओर से कही गई हैं और मैं चाहूंगा सभी दर्शकों को ये सुननी भी चाहिए और साथ ही इन बातों को अपने जहन में बसा लेना चाहिए क्योंकि वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर प्रवीण, जागरूकता और वैक्सीन, जब तक ये दोनों चीजें रहेंगी तो शायद हम संक्रमण को बहुत जल्दी रोक पाएंगे। गुरुग्राम से फूल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। फूल सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल कर सकते हैं। मैं 12 तारीख से कोरोना पॉजिटिव हो गया जी और घर में आइसोलेट हूँ। मेरे को सांस फूलना ये बड़ी समस्या है, एक खांसी बड़ी परेशान कर रही है, बाकी मेरे को काफी आराम मिल रहा है। ऑक्सीजन लेवल चेक किया आपने अपना? हाँ चेक किया था जी। कितना आया? मेरा 14 तारीख को 58 था जी मेरा ऑक्सीजन। मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली आज तक भी, मैंने अपना लेवल खुद बढ़ाया, अपना मोदा पड़ के तकिया लगा के जो बताते हैं ऐसे एक बढ़ाया। अब मेरा लेवल आज 91 है जी, 91 है। मैं खाना भी खा लेता हूँ, रोटी भी खा रहा हूँ है जी, लेकिन सांस फूलती है और खांसी में परेशानी, खांसी ज्यादा आती है, ये दिक्कत है अभी। हाँ तबीर जी, ये देखिए सर, आपको करीब 12 दिन हुए हैं ये बीमारी के लक्षण आए हुए हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे 91 पे आ गया। आप कुछ से सांस फूलने की तकलीफ भी महसूस कर रहे हैं, आपको खांसी भी है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी छाती का एक सीटी करना चाहिए और कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं CRP, डी डाइमर, वो करने चाहिए जो बीमारी की सिवियरिटी पता लगा सकते हैं और ये हमें बता सकते हैं कि घर पे ही रहे कि अस्पताल में भर्ती होके आगे इलाज कराएं। क्योंकि गौरतलब बात यह है, इस बीमारी में पहले शुरू में बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है और दूसरे हफ्ते में सांस की परेशानियां कभी कभी अचानक से बढ़ जाती हैं। तो 14 दिन तक बीमारी सडनली खराब होने की संभावना रहती है और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल पहले से गिरा है, आपका सांस फूल रहा है तो कम से कम एक छाती का स्पीटी तो कराना ही चाहिए, आगे की दवा और भर्ती की जरूरत है कि नहीं ये डिसाइड करना। चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए सर। इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी सर बोलिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि 58 से 91 हो गई है घर पे, हालांकि ये काबिले तारीफ है लेकिन ये नहीं करना चाहिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, देखिए सैचुरेशन जो है, जो SpO2 है, ये एक मार्कर है लेकिन ये फॉल करते टाइम नहीं लगता, तो इनके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है और HRCT चेस्ट है ये कराना बहुत जरूरी होता है। इससे प्रोग्नोसिस या समझ आता है कि आगे बीमारी क्या रूप लेने वाली है। सैचुरेशन फॉल करते टाइम नहीं लगता, एक घंटे में भी मैंने देखा है सैचुरेशन 98 से फॉल करके 50 हो जाती है। तो अगर हम ये सब चीजें तरीके से चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम बीमारी को बेहतर समझ पाएंगे और उसको खराब पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर ये तमाम सारी बातें बताने के लिए। उम्मीद है सर आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। सुभाष या चचर से हमारे साथ, सुभाष जी अपना सवाल करिए। सर डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार सर। जी जी सर, सवाल जी सर, मैंने 20 तारीख को 20/4 को टेस्ट करवाया था कोविड, तो उन्हें बताया था अगर पॉजिटिव है तो मैसेज छोड़ देंगे आपके पास। मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया तो मैं सोचा मैं नेगेटिव हूँ और 25 तारीख को मैंने वैक्सीन ले लिया। तो वैक्सीन लेने के बाद अब बताया डॉक्टर ने, एक मैसेज छोड़ा है 23 तारीख को, 23/5 को पॉजिटिव हो आप। डॉक्टर अक्षय,
सर आपने पहली डोज ऑफ वैक्सीन ले ली है और अब आप कह रहे हैं कोविड पॉजिटिव हैं और आपको इस बात को एक महीना भी हो गया है। मैं बस आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि जो आपकी सेकेंड डोज है आप उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि जैसा आपको कोविड हो भी गया है और आपने पहली डोज भी ले ली है, तो डोज के बाद भी अगर कोविड होता तो गाइडलाइंस यही कहती हैं कि आप सेकेंड डोज को पोस्टपोन कर दीजिए 2 से 6 महीने के लिए। अब आपको नहीं पता था, आपने वैक्सीन ले ली है और इस बात को एक महीना हो भी गया है, तो मेरी अभी के लिए आपकी सलाह, आपके लिए सलाह यही रहेगी कि आप अपनी सेकेंड डोज जो वैक्सीन की है उसको आप पोस्टपोन कर दें। चलिए शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। ये बड़ी असमंजस की स्थिति कभी कभी हो जाती है डॉक्टर प्रवीण की, अगर रिपोर्ट लेट आए या पता ना लगे तो ठीक है। कमल गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हिसार से। कमल जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। मेरा सवाल डॉक्टर प्रवीण जी से है। जी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे 2016 में ब्रेन हेमरेज हुई थी और उसका मेदांता में ऑपरेशन हुआ था मेरा। जी ब्रेन सर्जरी हुई थी, दोनों पैरों में पैरालिसिस हो गया था मेरा, उसके बाद से वो ब्रेन सर्जरी के बाद वो सारा ठीक हो गया। तो मेरी अब जो एक पैरों के अंदर अकड़न सी रहती है रात को, जब मैं सीधे पैर मतलब रेस्टलेस लेग्स जो है जैसे वो होता है, वो हो रहा है दोनों पैरों में, तो उनके लिए उसके लिए उन्होंने मुझे प्रेगाबिड एंटी टेबलेट जो है प्रिस्क्राइब की थी और 2016 से वो मैं लगातार ले रहा हूँ। तो डॉक्टर अब उससे कोई इतना फायदा नहीं हो रहा, शुरू शुरू में वो टेबलेट बड़ी इफेक्टिव थी मेरे पैरों पे, अब वही रेस्ट लेग सिंड्रोम वही फिर दोबारा फिर शुरू हो गया है। तो डॉक्टर मुझे इसके बारे में आप बताइए कि भाई मैं क्या करूँगा। देखिए सर, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो होता है वो लंबी चलने वाली तकलीफ है और दवाएं इसमें शुरू में अच्छा असर करती हैं, पर हर बीमारी में दवाई के असर और बीमारी की तीव्रता के बीच में रस्साकसी चलती है। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आम तौर पे एक दवाई को कुछ समय में रेजिस्टेंट हो जाता है, तो आपको चाहिए इस समय में डोपामिन एग्रिस्ट जैसे प्रेमिपेक्सोल जैसी दवा का साथ में इस्तेमाल करें, तो प्रीगाबिड एंटी और प्रेमिरोल मिलकर आपकी तकलीफ ठीक हो जानी चाहिए। सर सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ मिथाइल कोबालामिन भी ऐड कर देना चाहिए। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं, लेग में पेन है, तो मैं समझता हूँ कि मिथाइल कोबालामिन भी इनको एक दिन में एक टैबलेट लेनी चाहिए। अब वो ले सकते हैं सर, पर प्राइमरी जो चीज है जिससे वो ठीक होगा वो डोपामिन एग्रेस है, तो प्रेमिपेक्सोल डोपामिन की दवा लेंगे या सिंडोपा लेंगे, अगर इनके यहाँ पे प्रेमिपेक्सोल नहीं मिलती है तो इनको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा, कभी कभी पहली डोज से ही आराम आ जाएगा सर आपको। चलिए शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जगनदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगनदीप जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर नमस्कार जी। डॉक्टर मेरे भाई को डिक्लोफेनिक और ब्रूफन जो है वो रिएक्शन करती है, तो क्या वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन ले सकते हैं क्या? डॉक्टर अक्षय सर ये हम बात पहले ही कर चुके हैं, अगर मल्टीपल ड्रग्स से इनको एलर्जी है तो सजेशन यही रहेगा कि अभी वैक्सीन ये ना लें। तो डॉक्टर उनके लिए कौन सा वैक्सीन सजेस्ट करेंगे? जी क्या बोला सर, दोबारा पूछिए। क्या है कि इस स्टेज पे हमारे देश में 3 ही वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और अब स्पुटनिक हमारे देश में आ गई है, पर स्पुटनिक का हमारे देश में अभी इस्तेमाल का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जी इसलिए जिनको ड्रग एलर्जी है इनको मेरी सलाह है कि ये कोई भी वैक्सीन अभी ना लें और कुछ समय इंतजार करें। चलिए शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। लेकिन सर वैक्सीन को लेकर लोग कई बार ये सवाल पूछते हैं, नॉर्मली भी अगर मैं पूछूं कि कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे लोगों को, क्या बताएंगे कोविशील्ड को लेकर, कोवैक्सीन को लेकर या आने वाली स्पुतनिक को लेकर? देखिए सर हमारे देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का बड़े लेवल पे इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल। और कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स भी इतने ज्यादा सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल। कोविशील्ड के साथ ब्लड क्लॉट का साइड इफेक्ट खासकर यूरोप के देशों में जहां ज्यादा ठंड होती है वहां रिपोर्ट किया गया, पर हमारे देश में क्योंकि शुरुआती दौर में कोविशील्ड ही लगी है ज्यादातर जगह पे, इतना ज्यादा रिएक्शन देखा नहीं गया है।
कोवैक्सीन के साथ ही कोई ऐसा स्पेसिफिक रिएक्शन सामने नहीं आया है, तो जिन लोगों को ब्लड क्लॉट्स की बीमारी है वो चाहे तो कोवैक्सीन को कोविशील्ड के ऊपर प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ कई जगह पे ऐसा इंसिडेंस हुआ है, चाहे हिंदुस्तान में इतना ज्यादा नहीं है। उसके अलावा दोनों वैक्सीन में चूज करने के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर 2-3 महीने पे कोविशील्ड ली जाए या कोवैक्सीन ली जाए, रिसर्च में दोनों की 80% की क्षमता है, ठीक है। इसलिए कोई भी वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पे, सिवाय ब्लड क्लॉट का रिस्क हो तो कोविशील्ड से बचना चाहिए, कोवैक्सीन लेना। ठीक है, महेंद्रगढ़ से उर्मिला हमारे साथ हैं, एक दर्शक। उर्मिला जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने ना बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया था, 6.5 महीने हो गए मेरे को, और मेरे को हार्निया भी है नाभि के ऊपर, तो सर मैं अब पेट में ज्यादा बढ़ रहा है, क्या इस टाइम ऑपरेशन कराने को वो था कि कराऊं या नहीं अभी? डॉक्टर अक्षय, ये हार्निया के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं मैडम। देखिए, ऑपरेशन कराने के लिए ये ऑपरेशन करा सकते हैं, मेरी बस सलाह ये रहेगी कि ऑपरेशन कराने से पहले अपना कोविड का टेस्ट करवा लें और किसी भी सेंटर में ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऑपरेशन डिले करना सिर्फ इसलिए कि कोरोना फैला हुआ है, मैं नहीं समझता कि ये सही बात है। तो ये ऑपरेशन अपना करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर इमरजेंसी सर्जरीज खुली हुई है, इलेक्टिव सर्जरीज बंद है कुछ हॉस्पिटल्स में, लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल इनको सर्जरी ऑफर कर रहे हैं तो इनको पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए उर्मिला जी, शुक्रिया आप जुड़े, और उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। एक बात कहना चाहता हूं मैं यहाँ। जी प्रवीण जी, देखिए कोरोना के डर से ना बहुत सारे लोग अपनी दूसरी बीमारियों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। जी, या किसी को हार्ट में छाती में दर्द हो रहा है, या पक्षाघात हो रहा है, अधरंग हो रहा है, या तेज बुखार दूसरा हो रहा है, तो वो अस्पताल नहीं जा रहे कि कोरोना लग जाएगा। वो ये नहीं समझ रहे कि कोरोना लगेगा इसकी तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, पर ये बीमारी उनके शरीर को नुकसान कर देगी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बड़ी बात कही जी। तो कोरोना के डर से अपनी बीमारियों का इलाज करने से बिल्कुल भी ना हिचके, चाहे उसके लिए अस्पताल भी जाना पड़े, क्योंकि वो नुकसान आप वापस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बीमारी है उसका उपयुक्त इलाज करें, और अगर इलाज इलेक्टिव है जैसे सर्जरी कुछ दिन चल सकती है 1-2 महीना तो उसे टाल लें, पर इमरजेंसी इलाज में बिल्कुल भी नहीं हिचके और परहेज नहीं करें। ठीक है, सोनीपत से राजकुमार है हमारे साथ। राजकुमार जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ सर, हमने 20 तार को कोविशील्ड लगवाई थी जी, तो उसके बाद तब तो कह रहे थे 4-6 हफ्ते के बीच में लगनी है, तो अब ये वैक्सीन की कमी है या अब कह रहे हैं जी 3 महीने बाद लगवाओ? डॉक्टर प्रवीण क्या करें जी? जी सर, देखिए क्या है कि फरवरी में लैंसेट नाम के जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश की गई थी, जिसमें कोविशील्ड के इस्तेमाल के बाद ये देखा गया था कि जिन लोगों ने 2-3 महीने में कोविशील्ड लगाई और जिन्होंने 1 महीने में कोविशील्ड लगाई उनको आपस में कंपेयर किया गया, तो जब कोविशील्ड 1 महीने बाद लगाई गई तो उसकी क्षमता 60% की थी आपको सुरक्षित करने में, और जब कोविशील्ड 3 महीने पे लगाई गई 2-3 महीने पे तो उसकी क्षमता 80% थी। इसलिए यूके ने, इंग्लैंड ने हमसे बहुत पहले वैक्सीन का जो इंटरवल है उसको 2-3 महीने का कर दिया था, हमारी सरकार ने अभी किया है, तो ये पब्लिक हेल्थ के हिसाब से भी ठीक है क्योंकि ज्यादा लोगों को पहली डोज मिल जाएगी और इसमें वैक्सीन की जो मारक क्षमता है, जो सुरक्षा की क्षमता है, वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है, इसलिए इस डिसीजन में कोई नुकसान नहीं है किसी को। ठीक है, खुशी जुड़ गई हैं हिसार से हमारे साथ। खुशी जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मैं 18 साल की एज जो है मेरी। खुशी जी आप अपनी टीवी का वॉल्यूम पहले म्यूट करिए। तो सर मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे मेरे अस्थमा है जी, तो पूछिए सवाल पूछिए। तो वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं, क्योंकि पापा जी कहते हैं कि वैक्सीन अस्थमा के लिए घातक है, क्योंकि पहले भी जब आए थे ना तो पहले भी कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवानी। खुशी क्या आप कोई दवाइयां लेती हैं अस्थमा के लिए? हाँ जी, ड्यूलम की कैप्सूल है वो लेते हैं जी। अक्षय, डॉक्टर अक्षय सर,
सर जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, जो स्टेरॉइड्स हम देते हैं, ब्यूटीकॉर्ट वगैरह देते हैं जी, जो इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए हम जो दवाइयां देते हैं, तो उन कंडीशंस में हम जनरली कहते हैं कि आप अभी वैक्सीन को मत लीजिए। लेकिन उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया नेबुलाइजर यूज करते हैं, डोलिन यूज करते हैं, उसमें कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लेकर। चलिए खुशी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा लगातार डॉक्टर अक्षय, क्योंकि इससे पहले भी जो अंतराल है वैक्सीन की डोज का, इसका एक सवाल भी सामने आया था और ये सवाल लोगों के मन में था कि कहीं वैक्सीन की कमी तो नहीं है जो इसका अंतराल बढ़ा दिया है। लेकिन ये लोगों का भ्रम दूर करना होगा कि ये वैक्सीन की मारक क्षमता, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर प्रवीण ने किया, मारक क्षमता को देखते हुए इसका अंतराल बढ़ाया गया है। डॉक्टर अक्षय जी, सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी ऐसा होता है तो लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी चीज आती है कि कहीं सरकार ने वैक्सीन की कमी की वजह से तो ये अंतराल नहीं बढ़ा दिया है जी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वैक्सीन नहीं है, अभी आई है और इस पर रिसर्चेस हो रही हैं, और जैसे जैसे रिसर्चेस होती रहेंगी वैसे वैसे और चीजें सामने आती रहेंगी। बिल्कुल। तो जैसे अभी पता लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी, जो बेस्ट इम्यूनिटी आती है वो महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद आती है, और इसीलिए बोला गया है कि एक और दूसरी वैक्सीन के बीच का जो अंतराल है वो 3 महीने का होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है मरीज के लिए भी और सही बात है पब्लिक हेल्थ के लिए भी, इससे वेस्टेज भी कम होगी। बिल्कुल। और इससे जो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, इससे जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो पब्लिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि वैक्सीन की कमी की वजह से ऐसा किया गया है, ये उन्हीं के हित में है, ये लोगों के हित के लिए हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्षय और डॉक्टर प्रवीण आपका, क्योंकि इस समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। इसी तरीके से आप लोग रोजाना इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ ओपीडी में जुड़ते रहिए, और आपके जहन में, आपके मन में अगर किसी भी तरीके का बीमारी को लेकर, संक्रमण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं और डॉक्टर से सीधा जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।